वक्त यह कार्यक्रम जो है जिसका कि मुख्य उद्देश्य है बाल कलाकार ढूंढना। आज हमारे प्रोफेसर सुदामा सर बैठे हुए हैं, सुनील सर यहाँ पर, केशव सर जो कि प्रचार्य भी हैं यहाँ के, संत जानकीदास सर, रूपी कुमारी, आंचल कुमारी, रिया कुमारी, शैल कुमारी, कार्तिक शर्मा, रोशनी सोनी, स्वास्थ्य आर्या, ये नाम नहीं है सिर्फ, ये इनकी अपनी बाल कवि के रूप में एक पहचान है। आज आपने देखा किस तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस किया। और कहते हैं ना कि शुरुआत से ही पता चल जाता है कि बेस से ही पता चल जाता है कि बिल्डिंग किस तरीके की बनने वाली है। जो जमीन का पिलर होता है उसी को देख के एक अंदाजा लगाया जाता है। तो आज जिस तरीके से बाल कलाकार हमारे बाल कवि इन्होंने परफॉर्मेंस किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसमें काफी प्रतिभा है। बस इस प्रतिभा को आगे ले जाने का काम, और देखिए हमारे हरराम निराला जी जो हास्य कवि भी हैं और आज क्रांति कवि के रूप में जो है इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। हास्य कवि में बहुत हंसाते हैं, और अगर आप दुखी हैं तो जरूर इनके पास आइएगा, दो चार कविताएं इनकी सुन लीजिएगा तो आपका मन जो है पूरा खुशनुमा माहौल बन जाता है। लेकिन आज इन्होंने क्रांति कवि के रूप में अपनी पहचान जो है बनाई है। आज इन्होंने, मैंने इनका सुना, और ये सच है कि आजादी, आजादी की कीमत उससे पूछो जो गुलाम है। आजादी क्या है? आज हम चूंकि आजाद हैं, नई पीढ़ियों को पता नहीं होगा किस तरीके से हमारे देश की आजादी में हमारे वीरों ने अपनी वीरता का परिचय दिया। आज हम भगत सिंह की कहानियां किताबों में पढ़ते हैं, आज महात्मा गांधी के आंदोलनों के बारे में पढ़ा करते हैं, एक एजुन करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, आज एक दिन भूखे रहना कितना मुश्किल है। एक दिन भूखे रहना बिना पानी के, उसको व्रत उपवास भी कहा जाता है। और जरा सोचिए, आजादी के लिए भगत सिंह 50 दिन से ज्यादा उन्होंने हड़ताल की थी। हमारे भगत सिंह और न जाने कितने वीर हैं, गांधी जी असहयोग आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक की हुंकार भरी इसी मिट्टी पर। और हम लोगों को एक सुनहरे भविष्य की तरफ उन्होंने, आज जो आजादी हमें मिली है बहुत संघर्ष के साथ मिली है, बहुत संघर्ष के साथ। और आज भी हमारे दुश्मन चीन और पाकिस्तान के रूप में हमारे सीमा पर जवानों की परीक्षा लेते हैं। भारत माता के वीर सपूतों ने हर बार विजय या वीर गति मुझे दे मां, यही है मेरी पहचान के नारे के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा चीन किस तरीके से भारत को परेशान कर रहा था, और मैं लगातार जो है पहले एक कविता के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे फौजी भाई वहां पर लगातार जो है बात त्याग की, बात बलिदान की, बात विजय की और बात वीर गति की। तो एक पुस्तक मैंने जो लिखी थी उम्मीदों के सहारे, इसमें मैंने एक कविता लिखी थी, विजय या वीर गति मिले मुझे मां, विजय या वीर गति मिले मुझे मां, इसी से है मेरी पहचान, खुद शहीद हो जाऊं मां पर बची रहे तेरी आन बान और शान। मैं हूं सैनिक बड़ा दिल वाला, चौकस चौकन्ना हर पल तेरा रखवाला, चाहे हो अनहोनी के क्षण, चाहे हो अनहोनी के क्षण या कोई जंग का मैदान, चाहे हो अनहोनी के क्षण या हो कोई जंग का मैदान, विजय या वीर गति मिले मुझे मां पर बची रहे तेरी आन बान और शान। एक माँ को घर पे छोड़ आया हूं, नहीं ऐसी बात नहीं है, मां की ममता हर पल साथ, बस यही बात सही है। प्रतिबद्धता कितने कुर्बानियां कितनी दी हैं हमने, न चाहते हुए भी जानता है ये जहां, हो जाऊं
शहीद तेरे लिए मां, पर बची रहे तेरी आन बान और सब। आजमाया जाता हूं हर पल की मैं, आजमाया जाता हूं हर पल की मैं, कितने मजबूर हैं हम, एक से दो मिले, दो से चार, चार से आठ, लड़ते हैं ऐसे भी मिलता है दम। युद्ध भूमि में हंसते हंसते प्राणों पर निछावर करना, समझते हैं अपना मौलिक अधिकार, हिम्मत ना कर सके कोई आंख उठाने की आपकी तरफ, अगर कर दे तो हो जाती है उनसे रार। हम मर गए तो अमर रहते हैं, कभी ना देते हैं आखिरी सलाम। हम मर गए तो अमर रहते हैं, कभी ना देते हैं आखिरी सलाम। लीजे या वीर गति मिले मुझे माँ, पर बची रहे तेरी आन बान और शान। अब तुझे क्या बताऊं माँ, तू तो सब कुछ जानती है। अब तुझे क्या बताऊं माँ, तू तो सब कुछ जानती है। बच्चे ना भी कहे कुछ माँ से, फिर भी माँ सबको पहचानती है। हमें ये जो मौका मिला है तेरी सेवा करने का माँ, सौभाग्य था मेरा। मिसालें कितने भी रहेंगी, आशा है हमें न भूलेगा जग सारा। विजय या वीर गति मिले मुझे, इसी से है मेरी पहचान। खुद शहीद हो जाऊं माँ, पर बची रहे तेरी आन बान और शान। बहुत बहुत शुक्रिया।